The journey begins. As the buses start moving, children sing at the top of their voices. क्योंकि वो लोग इतने खुश हैं कि खुशी भी गाना गाते हुए जा रहे हैं. Some look outside to enjoy the view of the green fields and the hills. So रास्ते में बहुत सारी green fields और hills आ रहे हैं, तो कुछ तो top of their voices में गाना गा रहे हैं और कुछ बाहर विंडो से जो green scenery है उनको देख के enjoy कर रहे हैं. उसमें से इंदिरा बोलती है, When will we reach भोपाल? हम लोग कब भोपाल पहुंचेंगे? So मिस आशा बोलती है कि if we do not stop anywhere, अगर हम कहीं भी stop नहीं होते हैं अभी, we should reach there in 2 hours. 2 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे. That is around dash o'clock. So children, to answer this question, we need to check again this yellow box. Yellow box में information दिया हुआ है कि come on now, get in fast, it's already 9 o'clock. मतलब जर्नी जो है आपका वो बिगिन हो चुका है ऑलरेडी. 9 o'clock में बिगिन हुआ है, राइट? 9 o'clock. Now, it's saying that we should reach there in 2 hours. हम जो वो जो भोपाल की ट्रिप पे जा रहे हैं, भोपाल में वो लोग 2 घंटे में पहुंच जाएंगे. So that is around at what o'clock? So it will be 9 plus 2, 11 o'clock. They will reach around to Bhopal. Okay. Next, Manjit बोलता है, is it very far? क्या बहुत दूर है? तो Mr. Bhimsen बोलते हैं, it is about 70 kilometer है. तो वो बोलते हैं कि जब उनकी जर्नी जहाँ से शुरू हुई है, वहाँ से भोपाल तक पहुँचने के लिए 70 kilometer का डिस्टेंस उनको तय करना है, ट्रेवल करना है. नाउ व्हाट इज दैट? रूबी बोलती है, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर? और फिर रूबी पूछती, क्या हम कहीं बीच में रुकेंगे? मिस्टर राकेश बोलते हैं, मे बी एट भीमबेटका. बोलते हैं, हाँ हो सकता है हम भीमबेटका में रुके. एंड वो कहाँ है? वो आपका 50 kilometer फ्रॉम हियर है. मतलब जहाँ से जर्नी शुरू हुई है वहाँ से 50 kilometer अगर कवर कर लेंगे तो भीमबेटका आएगा. नाउ यहाँ पे हमें ये समझना है बच्चों कि 70 kilometer मतलब कि 2 hours की जर्नी है. 2 hours की जर्नी में 70 kilometer तय करना है, तो 1 hour के लिए कितना होगा? वी विल हैव टू डिवाइड 70 by 2. आप 70 divide by 2 करोगे तो आपको 1 hour का जो है वो मिल जाएगा. सो इट इज़ 35, राइट? 70 का हाफ कितना होता है? 35. आप ऐसे भी सोच सकते हो, 35 plus 35 70. तो 1 घंटे, मतलब कि अगर वो 9 o'clock से शुरू करते हैं तो 10 o'clock के आसपास जो है वो कुछ 35 kilometer का डिस्टेंस कवर करेंगे. लेकिन भीमबेटका जो है इट्स मोर देन 35. समझ में आया? तो दे विल टेक मोर देन एन आवर टू रीच भीमबेटका. नाउ द क्वेश्चन इज, इफ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर बिफोर 10 o'clock. बिफोर 10 o'clock तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप उसका डिस्टेंस मैंने आपको बताया है अभी, 35 kilometer करने के लिए उनको 10 o'clock जाना पड़ेगा, तो भीमबेटका तो 50 kilometer है. नेक्स्ट, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, यस, इनके आसपास जो है वो पहुंच सकते. दिस इज द आंसर. इफ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर बिटवीन 10 और 11 के बीच में. आफ्टर 11 o'clock ऑप्शन तो सही नहीं होगा, क्योंकि वो तो फिर आफ्टर 11 o'clock 2 hours का तो जर्नी है, वो भोपाल पहुंच चुके होंगे. So this is the answer, between 10 o'clock and 11 o'clock. फिर से बता रही हूँ, टोटल जर्नी जो उनकी है 70 किलोमीटर की है और भीमबेटका जो है 50 किलोमीटर का है. तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि 70 किलोमीटर को कवर करने के लिए 2 hours लगता है, तो उसमें से आप 35 हाफ उसको कर दो, 35 35, तो 35 कवर करने के लिए कितना देर लग जाएगा? तो 1 घंटा. डिवाइड इक्वल डिवाइड करो, 1 hour फॉर 35 kilometer, अनदर 1 hour फॉर 35 kilometer. सो टोटल इज 2 hours. नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन है भीमबेटका, तो भीमबेटका 35 से थोड़ा आगे है, तो 35 में 15 और ऐड करेंगे तो इट्स 50 kilometer. मतलब उसको 1 घंटा से ज़्यादा लग सकता है, तो इट कैन एट भीमबेटका पहुँचने के लिए वो 10 से ज़्यादा लग सकता है, लेकिन 11 o'clock से कम लगेगा. तो आंसर इज बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock. नेक्स्ट, एज दे आर टॉकिंग, जैसे वो लोग बात कर रहे हैं, तो बहादुर शाउट्स, बहादुर ने चिल्लाया, हे लुक एट द नर्मदा, उसको नर्मदा रिवर दिखा, चिल्लाया. एवरीवन लुक्स आउट ऑफ द विंडो, सब लोग विंडो से बाहर दिखने लगे.
Ruby, wow, it is so long and so wide. Let us guess how wide it is.